खबर करहल से है, जहां आज कई महिलाओं ने एकत्रित होकर करहल थाने में स्मैक नशे का कारोबार करने वाले और नशा करने वालों के खिलाफ आवेदन दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि करहल में खुल्लम खुल्ला स्मैक जैसे नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिससे हमारी नई पीढ़ी काल की गाल में समाती जा रही है। आए दिन स्मैक पीने वाले युवा घरों में झगड़ा करके ज़बरदस्ती रुपये छीन ले जाते हैं। अभी कुछ ही महीनों में 3-4 अप्रिय घटनाएं स्मैक की लत में करहल में हो गई हैं। पूर्व में भी समाज सेवी स्मैक के खिलाफ कई आवेदन करहल थाने में दे चुके हैं, मगर अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई इस नशे के सरगनाओं पर नहीं की गई है। इस बार महिलाओं ने पुलिस प्रशासन 5 दिवस के अंदर इस स्मैक के कारोबार को करहल से बिल्कुल बंद करने की अंतिम चेतावनी दी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अगला आवेदन मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा। जब हमारे रिपोर्टर ने पुलिस अधिकारी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि स्मैक का नशा बेचने वालों की लिस्ट बना ली है, जल्द ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में अभी नवागत पुलिस अधीक्षक आ गए हैं और करहल में नवागत थानेदार इसी उम्मीद पर आवेदन दे रही हैं महिलाएं कि शायद अब पुलिस कोई कठोर कार्रवाई जरूर करेगी। दीदियाँ जो महिलाएं कुछ आई हैं स्मैक के खिलाफ आवेदन देने के लिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा सर नाम गोदावरी शर्मा है और मैं करहल की रहने वाली हूँ। और अब इस नशे से जरा जरा से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं और जरा जरा से बच्चे इस नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो अब पुरानी पीढ़ी यही जो कर रहे हैं वो तो कोई बात नहीं है, मगर अब जरा जरा से 10 साल के 5 साल के बच्चे भी इससे इसको ले रहे हैं तो उनका क्या होगा? इस नशे से 4-6 आदमी तो खत्म होगा। इसमें सुमत बनिया खत्म हुआ है तो इसी से हुआ, नरेश शर्मा खत्म हुआ तो उसी से हुआ है, अब कुशवाहा खत्म हुआ है तो इसी से हुआ है, सीताराम काची था तो वो भी इसी से खत्म हुआ है। तो अब क्या करें, अब महिलाओं की मजबूरी है तो यहाँ थाने तक आई है नहीं, अब तक भी अंदर ही घर से बाहर नहीं निकल रही, पर इनकी मजबूरी है इसीलिए वे महिला बाहर आ रही है। मेरा नाम मुन्नी। क्या आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? मैं यह कहना चाहती हूँ हमारा बच्चा बच्ची सब परेशान है, हम परेशान है, हमारी बहुएं परेशान है और हम भयंकर परेशान कर रखा है। ये समझते नहीं है, ना शिकायत है थाने में कोई समझ नहीं सकते। कब से प्रयास रहते हैं आप इसके लिए? बहुत दिन से परेशान है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। और इसमें एक नशा ये बहुत बुरा है और इसमें कई पीढ़ियों भी मतलब नशे में ज्यादा आगे जा रही है, तो रोकथाम की जाए कराल में। जी तो हम दीदी के साथ हैं और पूरी दीदियों के हम साथ हैं, क्योंकि मतलब महिला परेशान रहती है तो हम उनकी परेशानी हम महिला नहीं देख सकती है। मुख्य कारण है आप चाहते हो कि यहाँ नशे का कारोबार बंद हो कराल से? हाँ, वो कराल से बंद होना सही, क्योंकि महिला एक नशा करता है तो इसमें पूरा परिवार परेशान होता है, तो ये नशा बिल्कुल बंद होना सही। अगर नशा ये बंद नहीं हो तो छोपुर मतलब आगे भी जाएंगे, महिला बोल रही हूँ। आंदोलन करेंगे आप? मतलब हाँ करेंगे, क्यों नहीं। आप यहाँ कैसे आई हैं आज? यहाँ पर मैं ऐसे आई हूँ, मेरा लड़का है ना वो भी मतलब पीता है तो मैं भी खुद परेशान हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। और जितने भी बेच रहे हैं उनको सबको बंद किया जाए। आपने अभी पुलिस थाने में नाम दर्ज करा दिए जो लोग बेचते हैं इसमें या नशा जिस तरह का नशा बेच रहे हैं, आपने नाम दर्ज रिपोर्ट किया है यहाँ पे? हाँ वो कर दिया। वजह आ रही है सामने कि इनको लाया जाता है छोड़ दिया जाता है, क्यों ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है? भैया इस पे इसलिए ये ठोस कार्रवाई नहीं होती कि नेता लोग आते हैं और नेतागिरी करते हैं और इन लोगों को नेतागिरी के माध्यम से इन लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। अगर इसमें किसी भी नेता ने हाथ डाला तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, नेतागिरी करेगा हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि महिला बहुत परेशान हो चुकी हैं। अब उनके घर में खाने के तक की भी जाने, उनके आदमी भी मरने को हो रहे हैं, इसलिए हम और जो नेता आते हैं और नेतागिरी करके और इन लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। अभी संजय दीक्षित बंद करवाया जबर ऐसे तैसे हुआ और उसके पीछे नेता लग गए तो उसको कोर्ट से भी छुड़ा के ले आए थे, इसलिए नहीं चाहते कि नेता आए। अगर नेता नेतागिरी करने आए तो हम इनको बख्शेंगे नहीं। अब हम हर जगह आए तो हमें गुप्त में कह रहे हैं कि नेता लोग नेतागिरी करते हैं, अगर आगे से ऐसा हुआ तो हम नेताओं का भी खुल के नाम लाएंगे, खुल के नाम कोई नेतागिरी करने आया इस विषय पे तो आया। ये कहती है हमारे और थोड़ा सा मैं और बोलूंगी कि अगर मेरे साथ इतनी दीदी मिलके आए हैं, कम से कम 15-20 दीदियां, अगर कोई दीदी के साथ घर पे जाके कोई दुर्घटना होती है तो इसका भी जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, क्यों कि आज हम यहाँ कह रहे हैं तो किसी दीदी के लिए तो बहुत कुछ एक मिसाल खड़ी हुई है, वो घर पे जाके उसके साथ हो सकता है कि मारपीट हो, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दीदियों के साथ, इसलिए मैं किसी महिला के साथ कुछ भी हुआ तो इसका प्रशासन ही जिम्मेदार है और इसमें बेचने वाले भी इसमें जिम्मेदार रहेंगे। इसमें
रहे हैं कि एक महंगा नशा जैसा कि हमने सुना है, तो ये कह रही है कि हम गरीब महिलाएं, तो इनके जो बच्चों पे रिस्मेक पीने के पैसे कहाँ से? अब ये थोड़े थोड़े 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर इसकी लत लगा देती है, पवा देते हैं पैसा भी यही दे देते हैं, भी यही पवा देते हैं और भी यही पैसा दे देते हैं, जा कहते हैं 4 टोकन हमरे बेच दे और एक टोकन तू ले ले और हम तू पवा देंगे। दलाली दिखाकर नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं कह रही हैं बड़ा संगीन मामला है, पुलिस प्रशासन पर पूरी सुइयां टिकी है। देखते हैं कराल पुलिस प्रशासन जो नवागढ़ TI शर्मा जी आए हैं, देखते हैं इस आंदोलन पर क्या कार्रवाई। कराल में स्मैक का जो लगातार कारोबार बढ़ रहा है उसके एवज में आज कुछ महिलाएं यहाँ आई हैं जिन्होंने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन दिया है। थाना प्रभारी अभी कुछ किन्हीं कारणों से थाने में मौजूद नहीं है, तो ये सर यहाँ मौजूद हैं। सर क्या कारण है पुलिस महकमा जो है जिसकी इतनी ताकत मानी जाती है पूरे देश भर में कि इसकी मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, स्मैक सर कैसे फिर क्षेत्र में आ रही है और कैसे बिक रही है सर ये महिलाएं आज यहाँ आई हैं? अभी स्मैक का भी आवेदन मिला है महिलाओं के द्वारा, इनका नाम है दीपा, गोमती, शांति, लक्ष्मी कुमारी, मनीषा, ओ बिरमा, दुलारी, सुशीला, सीता, सुनती। अब तक तो पता नहीं था क्योंकि अब पता चला है आवेदन के जरिए, तो इनके विरुद्ध पकड़े जाएंगे तो नियमानुसार पकड़ेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवेदन तो सर कुछ समाज सेवी लोगों ने 2 माह पहले भी दिए थे जो पूर्व में थाना प्रभारी यहाँ थे तोमर साहब थे, तब से सर अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि पकड़ा तो जाता है लेकिन उन पर शराब का केस लगाकर छोटा मोटा उन्हें जेल भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से उनकी जमानत हो जाती है लेकिन कारोबार बंद नहीं होता नशे का। इस पर सर आप क्या कहती हैं? नहीं, नशे का कारोबार वो माल बरामद होगा, माल जब तो किया जाएगा वो ही तो वही कार्रवाई होगी, अगर सर शराब पकड़ी गई होगी तो उसकी कार्रवाई की होगी। पूरे क्षेत्र में सर सब जन जन जानते हैं कि इसमें यहाँ कराल में सबसे ज़्यादा बिक रही है, इसकी पीने वाले भी काफ़ी हैं, इसकी बेचने वाले भी काफ़ी हैं, माल क्यों बरामद नहीं हो पाता है सर फिर? अब फिलहाल तो अभी आवेदन मिला है, मैं तो करीब डेढ़ महीने से दूसरे थाने से यहाँ पदस्थ हुआ हूँ, आवेदन मिला है तो जिस जो चीज़ उनके कब्जे से बरामद की जाएगी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ASI सर मौजूद है, उन्होंने कहा है कि मैं अभी यहाँ नया आया हूँ और अब मैं ये देखता हूँ मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है, अब जो भी चीज़ बरामद होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी ये पूर्णतः आश्वस्त महिलाओं कर चुके हैं कि इस बार धरपकड़ होगी और इन पर ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नशीलों पर की जाएगी। नाम भी लिख चुके हैं और ये नाम दर्ज भी कर चुके हैं बेचने वालों के, पीने वालों के, अब देखते हैं ये कार्रवाई कब तक होती है और महिला कब क्या ऐसी वजह आ रही है सामने कि इनको लाया जाता है छोड़ दिया जाए, क्यों ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है? भैया इस पे इसलिए ये ठोस कार्रवाई नहीं होती कि नेता लोग आते हैं और नेतागिरी करते हैं और इन लोगों को नेतागिरी के माध्यम से इन लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। अगर इसमें किसी भी नेता ने हाथ डाला तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, नेतागिरी करेगा हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि महिला बहुत परेशान हो चुकी हैं, अब उनके घर में खाने के तक की भी जाने, उनके आदमी भी मरने को हो रहे हैं, इसलिए हम और जो नेता आते हैं और नेतागिरी करके और इन लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। अभी संजीव दीक्षित बंद करवाया जबर ऐसे तैसे हुआ और उसके पीछे नेता लग गए तो उसको कोर्ट से भी छुड़ा के ले आए थे, इसलिए नहीं चाहते कि नेता आए, अगर नेता नेतागिरी करने आए तो हम इनको बख्शेंगे नहीं। अब हम हर जगह आए तो हमें गुप्त में ही कह रहे हैं कि नेता लोग नेतागिरी करते हैं, अगर आगे से ऐसा हुआ तो हम नेताओं का भी खुल के नाम लाएंगे, खुल के नाम कोई नेतागिरी करने आया इस विषय पे तो आया ये कहती है हमारे और थोड़ा सा मैं और बोलूंगी कि अगर मेरे साथ हम इतनी दीदी मिलके आए हैं, कम से कम 15-20 दीदियां, अगर कोई दीदी के साथ घर पे जाके कोई दुर्घटना होती है तो इसका भी जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, क्यों कि आज हम यहाँ कह रहे हैं तो किसी दीदी के लिए तो बहुत कुछ एक मिसाल खड़ी हुई है, वो घर पे जाके उसके साथ हो सकता है कि मारपीट हो, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दीदियों के साथ, इसलिए मैं किसी महिला के साथ कुछ भी हुआ तो इसका प्रशासन ही जिम्मेदार है और इसमें बेचने वाले भी इसमें जिम्मेदार रहेंगे। इसमें एक महंगा नशा जैसा कि हमने सुना है, तो ये कह रही है कि हम गरीब महिलाएं, तो इनके जो बच्चों पे रिस्मैक पीने के पैसे कहाँ से? अब ये थोड़े थोड़े 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर इसकी लत लगा देती है, पवा देते हैं पैसा भी यही दे देते हैं, भी यही पवा देते हैं और भी यही पैसा दे देते हैं, जा कहते हैं 4 टोकन हमरे बेच दे और एक टोकन तू ले ले और हम तू पवा देंगे। दलाली दिखाकर नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं कह रही हैं बड़ा संगीन मामला है, पुलिस प्रशासन पर पूरी सुइयां टिकी है। देखते हैं कराल पुलिस प्रशासन जो नवागढ़ TI शर्मा जी आए हैं, देखते हैं इस